नमस्कार, आज हम आपको एक बार फिर से लेकर पहुंचे हैं डॉक्टर एड्यूजोन, जो कि करनाल के मुगल किनाल पर एसटीओ 34 ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है, और जहां एमबीबीएस के अगर एग्जाम्स की बात की जाए, नीट के एग्जाम की बात की जाए, तो कई लाखों बच्चे जो हैं ये एग्जाम देते हैं, लेकिन क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती है तो काफी बच्चे जो हैं निराश भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके अच्छे प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होते हैं। तो इसी बारे में, इस साल के जो नीट के रिजल्ट रहे उसके बारे में कुछ बातचीत करने के लिए हम लोग आज यहां पर पहुंचे हैं डॉक्टर एड्यूजोन में। यशिका मैम हमारे साथ यहां पर मौजूद है, उनसे एक बार मैं जानना चाहूंगी। मैम, हमने सुना है कि इस साल जो मेरिट लिस्ट आई है नीट के एग्जाम की, वो काफी ज्यादा हाई आई है, और जिसकी वजह से अच्छे स्कोर करने के बावजूद बच्चों के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हुए हैं, तो आप इस बारे में क्या कुछ बताना? सबसे पहले डॉक्टर एडिजोन पर आने पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपने बिल्कुल सही सुना है कि मेरिट लिस्ट बहुत हाई गई है। इसका कारण ये है कि हर साल ज्यादा से ज्यादा बच्चे नीट में बैठते हैं, जिनका आंकड़ा 2 लाख बढ़ता है हर साल। अगर हम 2019 की बात करें तो 15,20,000 बच्चे थे जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी। ये ऑल ओवर रैंकिंग है, और ऑल ओवर जो सीट्स हैं वो बहुत मामूली बढ़ी है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरिट नीचे नहीं आने वाली। और जितने भी बच्चे हैं एप्लीकेंट्स, क्योंकि बढ़ रहे हैं, और जो ड्रॉपर्स बैच है वो भी बढ़ रहे हैं। दो दो साल, तीन तीन साल लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं, इस वजह से बच्चों की संख्या बढ़ रही है और कंपटीशन टफ हो रहा है। तो जैसा कि मैम ने भी कहा, अगर बच्चों के कंपटीशन लेवल की बात की जाए तो वो अपने आप में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन वही क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, इसी के चलते काफी बार देखा जाता है कि बच्चे निराश हो जाते हैं, वो लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं एक ईयर, नेक्स्ट ईयर अपीयर करते हैं। तो आगे हमारे साथ सर भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे ड्रॉप आउट बच्चों के लिए कुछ एक शॉर्ट मैसेज। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी जरूर कीजिएगा। बातचीत की, और मैम ने बताया कि किस तरीके से हर साल जो है, अगर ड्रॉप आउट बच्चों की बात की जाए, उनकी संख्या जो है हर साल बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, नीट के एग्जाम में अपीयर करने वाले बच्चों की संख्या जहां हर साल बढ़ती है, लेकिन वही लिमिटेड सीट्स होने की वजह से ड्रॉप आउट बच्चों की भी संख्या बढ़ती है। तो हमारे साथ यहाँ पर सर मौजूद है, एक बार मैं उनसे जानना चाहूंगी। सर, हम काफी बार देखा जाता है कि 2 बार 3 बार बच्चे जो है ड्रॉप कर देते हैं अपना ईयर, क्योंकि उनकी अच्छी रैंक नहीं आती, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, तो उन बच्चों को आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ड्रॉप करना एक अच्छा डिसीजन नहीं है। ड्रॉप करने का बेनिफिट तब है जब आपके मार्क्स, जैसे इस बार कट ऑफ गई है आपकी 570-580, अगर आपके 10-20 नंबर कम है तो आप ड्रॉप करिए। अदरवाइज 15,20,000 स्टूडेंट्स इस बार नीट में अपीयर हुए थे, जैसे मैम ने हमको बताया, पर प्लस टू में जो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं वह केवल 11 लाख होते हैं। बचे हुए 4 लाख स्टूडेंट्स ड्रॉपर्स ही होते हैं, जोनसी की अपनी तकदीर को हर साल अजमाते हैं। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप ड्रॉप को छोड़िए और हमारे साथ आज ही जुड़िए, और विदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, 150 से 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जो सा कि ड्रॉप से अच्छा ऑप्शन है, और आप डायरेक्ट अपने पाथ पे, अपनी लाइन पे, एमबीबीएस की लाइन पे जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी आगे पूरी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि कंट्रीज जो हैं उनमें एडमिशन हो सकते हैं, तो उन कंट्रीज की अगर बात की जाए, कौन कौन सी कंट्रीज में आपके लिंकअप हैं, कौन कौन सी कंट्रीज में आपके स्टूडेंट्स अभी तक गए हैं, उस बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? हम मोर ओवर वर्ल्ड वाइड डील करते हैं, पर हमने उनमें से कुछ स्पेशल कंट्रीज चूज करी है जो उनसे की मेडिसिन के लिए काफी फेमस है, लाइक यूक्रेन, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, मालडोवा, बेलारूस, हंगरी, पोलैंड, चेक स्लोवाकिया एंड अदर्स, काफी कंट्रीज हैं हम जिसमें एमबीबीएस में एडमिशन कराते हैं। तो सर, काफी लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि अगर वो कहीं अब्रॉड जाकर जो है डिग्री ले रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया में वो डिग्री मान्य ना हो, या उसकी उतनी वैल्यू ना हो, या घर से बाहर रहकर कुछ ऐसा एनवायरमेंट ना हो जिसमें वो सूट ना कर सके, तो उस बारे में आप लोगों को क्या कुछ बताना चाहेंगे एनवायरमेंट के बारे में और डिग्री के इम्पोर्टेंस के बारे में? देखिए, एमबीबीएस चाहे आप इंडिया से करें, चाहे आप अब्रॉड की किसी भी कंट्री से, डिग्री की वैल्यू इंडिया की डिग्री की सेम ही होती है, यानी कि जोन सी डिग्री आपको इंडिया से मिल दिया है उसी की वही वैल्यू आपकी फॉरेन की रहेगी। इवन इस बार से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा चेंज किया, एक बैरियर लगाया है कि लास्ट ईयर तक क्या था कि जोन से स्टूडेंट्स
विदेश से एमबीबीएस करते थे, केवल उनको ही इंडिया में आके एग्जाम देना पड़ता था, पर इस बार से सब स्टूडेंट्स के लिए सेम ही एग्जाम हो गया, सबके लिए सेम एग्जिट एग्जाम नेक्स्ट लागू कर दिया गया। चाहे आप डिग्री इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ लगा के लीजिए, चाहे विदेश में 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर की फीस पे आप डिग्री लीजिए, तो डिग्री में कोई अब फर्क नहीं रह गया क्योंकि गेट ऑफ एंट्री स्टूडेंट्स का सेम है। अगर हम स्टडी पैटर्न की बात करें तो वहां का स्टडी पैटर्न काफी एडवांस है, वहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, एक स्टडी का माहौल रहता है, और आपको जो टीचर्स हैं वो प्रॉपर पीएचडी मिलते हैं, डॉक्टर्स मिलते हैं आपको, इवन हॉस्पिटल्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी 150 से 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ 10-10, 15-15 हॉस्पिटल अटैच हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जोन से स्टूडेंट्स ड्रॉप करने का सोच रहे हैं, अच्छे मार्क्स लिए हैं पर वो अपनी सीट नहीं पा पा रहे एमबीबीएस में, वो आज ही डॉक्टर एड्यूजोन से संपर्क करें जिससे कि हम उनका प्रोसेस, उनको उनका सपना ना टूटने दें और उनको एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन कराएं। तो सर क्या अभी भी स्टूडेंट्स आकर एनरोल करवा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं आप लोगों को, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहिए? बिल्कुल, एडमिशन अभी भी चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स पहले इंडिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए वेट कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ पे एडमिशन 5 जून से चल रहे हैं, पर अब मॉपअप राउंड फिनिश हो चुका है, तकरीबन इंडिया में सारी सीटों पे काउंसलिंग हो चुकी है, मैक्सिमम सीट्स फुल हो चुकी हैं, पर उन बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है, वह आज ही डॉक्टर एड्यूजोन से जुड़ सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं जिन जिन कंट्रीज में मैंने बताया। उसके अलावा आप हमसे कभी भी कॉल कर सकते हैं, 8738887388 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, हम आपको निःशुल्क सलाह देंगे, कोई भी डाउट है स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज ही डॉक्टर एड्यूजोन से संपर्क करिए। तो जैसा कि सर ने बताया कंट्रीज के बारे में, हमने आपको बताया काफी अच्छा ऑप्शन सभी उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है जिन्होंने नीट के एग्जाम जरूर दिए, काफी अच्छे उनका स्कोर भी आया, लेकिन किसी अच्छे प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं हो पाया, तो वो लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं SCO 34 मुगल केनाल पर, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है। डॉक्टर एड्यूजोन आकर आप लोग विजिट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है, कौन सी कंट्री में जाकर आप अपनी जितनी भी फ्यूचर एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन सभी लोगों तक, उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके जो लोग अभी तक निराश थे, उनके लिए एक और नई उम्मीद लेकर जो है डॉक्टर एडिजोन यहां पर आया है। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।